एकल भारत लोक शिक्षा परिषद CSR कमेटी के द्वारा 25 से 27 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के कसौली की वन यात्रा की गई, जिसमें कुल 35 बंधुओं ने हिस्सा लिया। हिमाचल के प्राकृतिक वादियों का आनंद लेते हुए सभी लोग कसौली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सनसेट पॉइंट देखा। राष्ट्रीय प्रधान श्री नीरज रायजादा जी ने एकल का प्रेजेंटेशन दिया और श्री दीप कुमार जी ने एकल द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी को बताया। ट्रस्टी एवं CSR कमेटी के चेयरमैन श्री सुभाष सिंह अग्रवाल जी एवं CA डॉक्टर राज चावला जी ने भी सभी का स्वागत एवं धन्यवाद किया। हिमाचल के लोक नृत्य का खूब आनंद भी लिया गया। दूसरे दिन प्रातः वन यात्रियों ने मोहन हेरिटेज पार्क देखा और एशिया का सबसे ऊंचा जटोले शिव मंदिर का दर्शन किया। इसके पश्चात सभी यात्री ग्राम धार भडेची पहुंचे और वहां पर संचालित एकल विद्यालय को देखा। ग्राम बशेच में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए। गाला डिनर में भी सभी ने बॉन फायर म्यूजिकल नाइट का भी सभी ने खूब आनंद उठाया। बहुत से वन यात्रियों ने एकल विद्यालय के सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की, जिन्हें एकल दानवीर एवं ओम के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। तीसरे दिन देवभूमि हिमाचल की प्राकृतिक वादियों को स्मृतियों में कैद करते हुए सभी वन यात्री एकल विद्यालय ग्राम रुंजा के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम समिति के बंधुओं ने सभी का हृदय से स्वागत किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सत्य सत्यो कम मिलदे सत्य सत्यो सत्य सत्यो कम मिलदे पखली मणुआ अज पखली मणुआ कम मिलदे मेरा दिल लुटी ले गए अस दे देखो बच्चों में बहुत एनर्जी लेवल है। आप लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से सत्कार किया, स्वागत किया और मैं देख रहा था इस बच्चे ने कितनी बढ़िया देश के लिए भारत माता के आंखों में आंसू है और इतने अच्छे स्वाभिमान के लिए इसने सुनाई और गीत भी शुरुआत में बहुत अच्छा इन बच्चों ने किया एकल गीत।
तो सब में बहुत टैलेंट है। मैं ये कहता हूँ चाहे बच्चा गांव में हो शहर में हो, टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को अंडरस्टैंड करिए और आगे बढ़िए, आप सब कुछ कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। सभी ने स्वादिष्ट हिमाचली व्यंजन का भरपूर आनंद लिया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है, वहां एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण का इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं हो सकता।